सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे क्या बाहर देखने आई है देख सकते और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी लगा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सब लड़के लड़की जबरदस्त बना हुआ है यहाँ पर सभी अच्छी रखी गई है। नमस्कार दोस्तों मैं मिस्टर रितेश और आप फिर से देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर रितेश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सिवनाथ नदी है चारों तरफ देख सकते हैं और अभी बरसात का मौसम है और इसी के पानी को देखने के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ पब्लिक पानी का नज़ारा लेने के लिए आए हैं मौसम का नज़ारा लेने के लिए आए हैं और सिवनाथ नदी में अभी से ही आज है उसके बाद भी बहुत जल्दी इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया है जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो में देख रहे हैं तबाही नज़ारा है। इसको देखने के लिए हमारे नज़दीक में राजनांदगांव है वहाँ से कई लोग यहाँ घूमने के लिए इसी पानी को देखने के लिए आते हैं नज़ारा देखने के लिए आता है काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और मज़ा भी आता है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी इसका नज़ारा आप लोग को भी दिखा दूँ। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों एक छोटा सा बच्चा इतना सारा नदी की पानी की धार चल रहा है उसके बाद भी बिना डरे ये मछली पकड़ रहा है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक मछली के लिए अपनी जान को दावा दे के ये मछली पकड़ रहे हैं छोटे 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 मछली पकड़ रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये छोटो तो डर नहीं लगे डर भाई अरे बहा जाबे भाई बहा जाबे भाई ज्यादा अंदर मत जाना भाई मछली के लिए ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों एक छोटा सा लड़का इतनी पास में ही पास में अगर थोड़ा सा भी अगर ये नदी इधर आ जाए नदी के पानी इधर आ जाए तो इसको लेके डूब ले जाए डर नहीं लगता भैया ये दे पूरा माइक खराब कर दिया ये भाई हेलो तो डर नहीं लगे यार ये साल के सत्रह साल के देख सको दोस्तों देख सकते हैं 17 साल का लड़का है ये सिवनाथ नदी में मछली पकड़ रहा है बिना डरे इससे जान भी जा सकती है पर जान को जोखिम में डालकर ये मछली पकड़ रहे हैं कितनी ताजुब की बात है। देख सकते हैं दोस्तों जान का दाव लगा के भैया मछली निकाल रहे हैं और जबरदस्त निकाल रहे हैं बड़ी तलाश में है ये बड़ी मछली की तलाश में है। देखते हैं भैया कितना बड़ा मछली लेके आते हैं वाह वाह अब देखते हैं लगभग एक साथ में 4 से 5 किलो वाला मछली आ जाना चाहिए करके जाते हैं लेकिन बेचारा छोटा सा मछली धर के पकड़ के लाते हैं बहुत दुखी की बात है सिर्फ एक एक ठो मछली ला रहे हैं भैया 5 किलो की तलाश में रहते हैं लेकिन आधा किलो भी नहीं आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों अभी एक ऐसा मछली आया है इसके हाथ में जिसका कीमत कितना है भैया इसका 100 रुपए पाव और कितना रुपए किलो 400 रुपए किलो वाला क्या नाम है मछली का टेंगना है। देख सकते हैं भैया जबरदस्त टेंगना मछली पकड़ा गया है और बहुत मजा आ रहा है ऐसा लग रहा है कि आप लोग बारिश का मजा सिर्फ आप लोग ले रहे हैं ऐसा है। तो चारों तरफ इधर पब्लिक ही पब्लिक है इसको देखने के लिए नजारा को आए हैं। आप लोग भी हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं मोहारा नदी का दृश्य काफी शानदार लग रहा है। चले दोस्तों अब आप लोग को मोहारा नदी जो है यहाँ पास एक शंकर भगवान का मंदिर है उसका आप लोग को दर्शन कराते हैं। आप लोग गंगा मैया का दर्शन कर लिए हैं लेकिन शंकर भगवान का आप दर्शन नहीं किए हैं तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों काफी विशाल जबरदस्त शंकर भगवान जी का वहाँ पास मूर्ति विराजमान है। चलिए आप लोग को दर्शन कराते हैं तो मेरे पीछे शंकर जी का मूर्ति दिख रहा होगा काफी विशाल रूप में बना है और इसी के साथ आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये है राजनांदगांव का मोहारा नदी जो बोलते हैं और सिवनाथ नदी में जाके मिलते हैं काफी जबरदस्त नज़ारा है। यहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं सिर्फ पानी को देखने के लिए आते हैं बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है। छोटी क्या नाम है तोर सुनीता ये सुनीता क्या देखे रहा है क्या देखने आई है क्या देखने आई है क्या बाढ़ देखने आई है देख सकते हैं छोटी सी बच्ची आप क्या देखने आई है बच्ची नदी बाढ़ देखने ये बाढ़ देखने के लिए आए हैं। देख सकते हैं दोस्तों काफी नज़ारा है और आप लोग भी हमारे वीडियो में पूरा देख चुके होंगे। फिर से मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और जय छत्तीसगढ़।